हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये माइक्रोनी पास्ता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर पे बिल्कुल देसी पास्ता होटल से भी टेस्टी बनके तैयार होता है। तो सारे स्टेप को आप ध्यान से देखिए और चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम पास्ता लिया है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है। ये 1.5 लीटर पानी है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। उबले हुए पानी में हम डालेंगे अपना पास्ता। पास्ता को हमें 3 से 4 मिनट तक उबालना है। हाँ, ध्यान यही रखना है कि अपनी पास्ता गलने ना पाए, तो हम एक स्पून की मदद से चला देंगे और तेज फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट उबलने देंगे। हमने पास्ता को 3 मिनट तक उबाला है। आपको एक बार दिखा देती हूँ, अपनी पास्ता जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे। तो चलिए हम फ्लेम को ऑफ करके और छान लेते हैं। पास्ता को हमने स्ट्रेन करके पानी से धो लिया है। अब हम इसे एक डिश में निकाल देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, एक एक पास्ता अपनी अलग अलग दिख रही है। अब हम इसे हवा में रख देंगे, तब तक हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तो यहाँ पे आप ओलिव ऑयल तेल यूज कर सकते हैं। उसमें बनी पास्ता बहुत ही टेस्टी होता है। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तेल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, क्योंकि हम देसी पास्ता बना रहे हैं तो अपना तड़का भी देसी होना ज़रूरी होता है। जीरा को हमें हल्का सा चटकने देना है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ से 8 से 10 कली लहसुन को हमने बारीक बारीक काट रखा है। कुछ सेकेंड के लिए हम लहसुन को तेल में भूनेंगे, यानी कि इसकी रो स्मेल जाना चाहिए, इतना ही हमें भूनना है। इसमें कोई कलर आने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे प्रोसेस हम तेज फ्लेम पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी लहसुन की रो स्मेल चली गई है। इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 बारीक प्याज, जिसे हमने बहुत ही बारीकी से काटा है। आपसे जितना हो सके बारीक काटिए। प्याज को हम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए, 1.5-2 मिनट में अपनी प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। हमें ब्राउन कलर नहीं आने देना है। इसमें क्रंच भी बरकरार रखना है। इस स्टेज पे हम डालेंगे बीन्स। तो यहाँ पे हम 4 बीन्स को बारीक बारीक काट लिए हैं, उसे डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे गाजर, जिसे हमने छोटा छोटा काट रखा है, और 2 हरी मिर्च हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। बिल्कुल इसे हम देसी स्टाइल में बना के दिखाएंगे। इन सब्जियों को हम 1.5 से 2 मिनट तक तेज फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। सब्जी हमें गलने नहीं देना है, इसका क्रंच रखना है, इसलिए सारे प्रोसेस तेज फ्लेम पे करना है हमें। आप देख सकते हैं अपनी गाजर बीन्स प्याज के साथ हल्का सा पक चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे एसपी ओनियन का व्हाइट पार्ट। इससे क्या होता है, चाइनीज डिश में बहुत ही अपनी अच्छी टेस्ट आती है। यहाँ पे हम डालेंगे फ्रोजन मटर, जिसे हमने 2 चम्मच ले रखा है, और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हम लास्ट में डालते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है और इसके पीसेस दिखते नहीं हैं, तो हम लास्ट में डालते हैं। सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सभी सब्जियाँ अपना हल्का सा भून चुकी है। इसे बिल्कुल हम 1 मिनट तक भूने हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे ढेर सारा टमाटर, जिसे हमने छोटे छोटे काट रखे हैं। टमाटर को हम डालते ही इसमें डालेंगे नमक।
नमक से टमाटर जल्दी गल जाता है, तो स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे क्योंकि पास्ता उबालने में भी हमने नमक डाला है। और यहाँ पे हम डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो आप मिर्च अपने अंदाज से डालिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम डालिए, बड़ों के लिए तो चटपटा पास्ता बनाना ही है हमें। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स करके पका लेते हैं। अब हम टमाटर को डालने के बाद इसे कवर करके पकाएंगे जिससे कि अपनी टमाटर अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं हमने टमाटर को कवर करके पकाया है, अच्छे से गल गया है। तो ये अपना पास्ता के लिए बहुत बढ़िया ग्रेवी तैयार हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता जिसे हमने बॉयल करके स्टेम करके हवा में रख दिया था। तो आप ऐसा ना सोचे, एक बार पास्ता उबाल के फ्रीज में रखने के बाद आपको जब मन हुए पास्ता बना सकते हैं। आप ज़रूरत के अनुसार अभी डाल दीजिए, जो बचता है उसे फ्रीज में रख लीजिए। आपका मन जब ही करे फटाफट पास्ता बना लीजिए। तो हम यहाँ पे पास्ता ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ में हम डालेंगे मिक्स हॉप। आप यहाँ पे ओरिगेनो भी डाल सकते हैं। पास्ता को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फाइनली हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये वही वाली पानी है जिसे हमने पास्ता उबालने के बाद स्टीम करके रखा था। इससे पास्ता में अच्छे से अपनी मसाला अब्जॉर्ब हो जाती है। तो एक कटोरी हम यहाँ पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कटोरी केचप। ये टोमेटो केचप है। इससे क्या होता है, जो अपना पास्ता में तीखापन रहता है उसे बैलेंस कर देता है और ग्रेवी भी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। तो पास्ता देखने में और खाने में सुंदर लगता है। तो चलिए हम इसे कवर करके एक मिनट तक और पका लेते हैं। तो यहाँ पे हम कवर करके एक मिनट तक पका लेंगे। एक मिनट हो चुका है, चलिए हम अपनी पास्ता चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी एक एक पास्ता में ग्रेवी अब्जॉर्ब किया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे बटर। बटर से अपनी पास्ता एकदम क्रीमी क्रीमी दिखती है। तो यहाँ पे हम एक चम्मच भर के बटर डाले हैं। बटर पिघलने तक हम इसको गैस पे रखेंगे, बाद में हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब ध्यान से देखिए अपनी बटर अच्छे से पिघल चुकी है। बटर डालने के बाद पास्ता के स्वाद में चार चांद आ जाता है। अब फाइनली इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन पार्ट। इसी से तो पास्ता की खूबसूरती बढ़ जाती है और स्वाद भी बहुत ही बढ़ जाता है। पास्ता को हम मिक्स कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए अपनी पास्ता कितनी बढ़िया होटल जैसे तैयार हुई है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और पास्ता की प्लेटिंग कर लेंगे। चलिए हम पास्ता की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप एक बार ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी पास्ता बनके तैयार हुई है। इसमें सब्जियों का क्रंच, ग्रेवी का टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया पास्ता बनाना कितना आसान है। अब मैक्रोनी पास्ता को गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।